हाँ जी, जय हिंद एवरीवन। कैसे हो सारे बच्चे? सो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा। और एक बार फटाफट से सारे बच्चे क्लियर का मैसेज टाइप करेंगे ताकि हम अपनी ये इंपॉर्टेंट क्लास स्टार्ट कर सके, जिसमें आज आप सभी के लिए होने वाला है इडियम एंड फ्रेसिस का एक सरप्राइज टेस्ट, और देखेंगे क्या स्कोर रहता है आप सभी का। चलिए जी, फटाफट से लाइव आएंगे सारे बच्चे, जल्दी जल्दी फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना ये इम्पोर्टेंट सेशन। ठीक है जी, चलिए जल्दी जल्दी लाइव, जो बच्चे लाइव आ चुके हैं फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए सेशन को, और जो चैनल पर नए हैं बच्चे वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही जैसे मैंने आपसे कहा था, एक बार क्लियर का मैसेज भी टाइप करेंगे सभी कि सब क्लियर है और सब बढ़िया। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे हम लोग आज का अपना इम्पोर्टेंट सेशन, इस छोटी सी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ कि फ्लैट 50% का बच्चे आपको ऑफ मिल रहा है अन अकेडमी की तरफ से, यूज़ करने पर रेफरल कोड धीरज 6494। इसके बारे में डेली आपको सेशंस में बताया जा रहा है, हालांकि अभी तक आपका NDA 1 नहीं हुआ, पर फिर भी ठीक है जी। सारे बैचेस के बारे में भी बता देता हूँ मैं आपको, क्लियर का मैसेज आ गया, थैंक यू सो मच। ठीक है जी, चलिए तो बच्चे ये हमारे पास टारगेट NDA 2 और CDS 2 के लिए ये दो बैच हमारे पास हैं, आप सभी देख लीजिए। रणभूमि कंप्लीट बैच फॉर NDA 2 2024, इसमें सारी टीम से आप पहले ही परिचित हैं, मुक्तक सिंह राठौड़ सर हैं इसमें, विशाल कुमार सर हैं, अखिल कुमार रॉय सर हैं, नीतू ढाका मैम है, और मेरी क्लासेज जो है इसमें 21st के बाद ही स्टार्ट हो पाएंगी। ठीक है जी, और अगर आप CDS एस्पिरेंट है बच्चे, अगर आप CDS एस्पिरेंट हैं तो योद्धा कंप्लीट बैच CDS 2 2024, इसके बारे में सारी की सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है जी, मूव करते हैं हम लोग आगे की तरफ बच्चे। ये वीर 2.1 कंप्लीट बैच फॉर CAPF 2024 है बच्चे ये, और इसमें भी आपको 50% का ऑफ मिल जाएगा अनकेडमी की तरफ से। अभी सेम बच्चे हमारे पास ध्रुव 2.0 बैच में है, और ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहने वाली है आप सभी के लिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट PDF जो है वो सारे एजुकेटर्स की आपको मिल जाएंगी, जितनी भी आपको अभी तक अनअकैडमी पर पढ़ाई गई। ठीक है जी, 50 डेज हार्ड चैलेंज की सारी PDF आपको मिलेंगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे वो किसी भी एजुकेटर की हो। लास्ट 5 मंथ्स के करंट अफेयर के लिए बच्चे आपको इस QR कोड को स्कैन कर लेना है बिना देर किए, और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर सपोर्ट करने के लिए आपको इन QR कोड्स को स्कैन कर लो। ठीक है जी, बढ़ते हैं बच्चे हम लोग आगे की तरफ। हाँ बच्चे, आप कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट जो आपका एग्जाम रिलेटेड है वो पुट कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ टेस्ट का चलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टार्ट करने वाला हूँ मैं आप सभी के लिए ये टेस्ट, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा बच्चे, बहुत फेमस क्वेश्चन है, NDA रिटर्न एग्जाम में कई बार आया है। आपको बताना है कि ये अबव बोर्ड क्या होता है, और गिवन 4 ऑप्शंस में से इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा। पोल अवेलेबल नहीं है तो आपको अपना जवाब जो है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ, ये डिसऑनेस्ट है। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, एक सही जवाब है। जैसे ही आपको आंसर मिले आप चैट बॉक्स में अपने आंसर को स्पैम करेंगे। ठीक है जी, चलिए तो यहाँ पर मेरे पास जो आंसर आया है अभी तक वो आया है बी। तो आइए जान लेते हैं हम क्या होता है बच्चे हमारे पास अबव बोर्ड। बड़े ध्यान से देखिएगा आप सभी बच्चे, अबव बोर्ड होता है अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, जो हमेशा साफ बात करता है और जिसकी ईमानदारी पर कभी शक नहीं किया जा सकता, वो होता है हमारे पास एक अबव बोर्ड पर्सन, जिसकी ऑनेस्टी को पर कभी डाउट नहीं किया जा सकता। तो बच्चे ऐसे पर्सन को हम शेडी नहीं कह सकते, डिसऑनेस्ट नहीं कह सकते, मिसलीडिंग भी नहीं कह सकते, मिसलीडिंग धोखेबाज होता है। तो परफेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर सी हुआ। आप सभी बच्चे देख लीजिएगा कि कितने बच्चों का ये क्वेश्चन जो है वो सही रहा। वक्त हो चला है आगे मूव करने का अगले क्वेश्चन पर, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। ये थोड़ा सा इजी है, एट वंस फिंगर टिप्स जिसका परफेक्ट आंसर आपको बताना जल्दी से। 4 ऑप्शंस आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है।
एट वंस फिंगर टिप्स, बेयर, असेसिबल, अनफर्निश्ड या फिर स्ट्रॉन्ग। आंसर मिलते ही आपको चैट बॉक्स में अपने आंसर को स्पैम कर देना है जल्दी से फटाफट। क्या विचार है जी आप सभी का? एक क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर। बढ़िया, एंड स्टिल आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स ओनली। शायद मेरे यहाँ से बहुत बढ़िया। तो बात करते हैं एट वंस फिंगर टिप्स, कौन सी चीज आपके फिंगर टिप्स पर होती है बच्चे, जिसको आप कहते हैं कंप्लीट नॉलेज, जिस चीज की आपको कंप्लीट नॉलेज है ना, वो चीज आपके फिंगर टिप्स पर है। तो इन चार ऑप्शंस में से क्या कहा जा सकता है उसको बच्चे, उसको हम कहेंगे असेसिबल, क्योंकि वो चीज आपकी रीच में, इन रीच है वो। ठीक है जी, तो फोर ऑप्शंस में से आप बी से ही उसको कनेक्ट कर पाए। जबकि स्ट्रॉल का मतलब होता है बच्चे धीरे धीरे टहलना, अनफर्निश्ड का मतलब होता है गंदा, और बेयर का मतलब होता है खाली। बेयर को आप ओनली भी कह सकते हैं, ओनली। अगर बेयर हैंडेड है तो बेयर हैंडेड को आप खाली हाथ भी कह सकते हैं। ठीक है जी, चलिए मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के क्वेश्चन नंबर 3, एप्पल पाई ऑर्डर कैसा ऑर्डर होता है बच्चे? एप्पल पाई ऑर्डर, फोर ऑप्शंस आपके पास है, आप यहां पर देख सकते हैं। वेल ट्रीटमेंट, डर्टी, परफेक्ट अरेंजमेंट या फिर अनप्रिपेयर। एप्पल पाई ऑर्डर क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। जैसे ही आपको आंसर मिले, आप सारे बच्चे चैट बॉक्स में अपना आंसर बता सकते हैं। सारे ऑप्शंस आपको साफ साफ नजर आ रहे होंगे। चलिए जी बताइए, मैं वेट कर रहा हूं आप सभी के कमेंट का। एप्पल पाई ऑर्डर इसमें से क्या हो सकता है? आपके पास चार ऑप्शंस, बहुत बढ़िया जी। तो एप्पल पाई ऑर्डर पर बात करेंगे हम लोग। आपके जवाब जो है वो आना स्टार्ट हो चुके हैं बच्चे। एप्पल पाई ऑर्डर होता है हमारे पास इन परफेक्ट ऑर्डर। ठीक है, और जब हर चीज अपने परफेक्ट ऑर्डर में लगी होती है, हर चीज अपनी सही जगह पर होती है, तो उसको हम कहते हैं परफेक्ट अरेंजमेंट। तो सी आंसर यहां पर आपका परफेक्ट हो। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलिए जी मूव करते हैं हम लोग आगे की तरफ। बड़े ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लैक एंड ब्लू क्या होता है बच्चे? फोर ऑप्शन आपके पास, सेल्फ प्रेजिंग, ऑन स्ट्राइक, माउंटेन एरिया या वाउंडेड बैडली। ये फोर ऑप्शंस आपके पास, जिसमें से एक सही आंसर है। क्या होता है बच्चे हमारे पास, जरा ध्यान से देखेंगे आप सभी, और आंसर मिलने पर अपना आंसर चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताएंगे, क्योंकि पोल अवेलेबल नहीं है। सर आप इतने दिन कहाँ थे? चलिए जी, आज की भी क्लास लेनी काफ़ी मुश्किल थी मेरे लिए, बट ले ली बस। चलिए देखते हैं ब्लैक एंड ब्लू, इसका आंसर हमारे पास आना स्टार्ट हो चुका है बच्चे। ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है बुरी तरह से पिटा हुआ। और फोर ऑप्शंस में से सही है हमारे पास इसका वाउंडेड बैडली, यानी के घायल। ठीक है जी, काउंट कर लीजिएगा करेक्ट में जिस जिस बच्चे का ये आंसर बिल्कुल सही था। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 5, एट सी क्या होता है बच्चे? और गिवन फोर ऑप्शंस में से इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? एट सी फोर ऑप्शंस जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है वो है अवेयर, अटेंटिव, मिसप्लेस या फ्रेड। ये फोर ऑप्शंस आपके पास, एक सही आंसर है। देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है। क्वेश्चन है एट सी, चलिए जी बताने की कोशिश कीजिए सभी। बढ़िया जी, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, अवेयर होता है बच्चे सावधान, सतर्क, अटेंटिड भी सावधानी होता है, मिसप्लेस होता है खोया, और फ्रेल होता है कमजोर।
और एट सी होता है बच्चे हमारे पास इन अ बैफलिंग पोजिशन। यानी के दुविधा में, किससे हम इसको मैच कर सकते हैं बच्चे, एक ही ऑप्शन है हमारे पास, दैट इज सी। हालांकि रिलेट करने पर मिला है हमें इसका आंसर, पर मिल गया। ठीक है जी, चलिए वक्त हो चला है अगले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 6 जो ये रहा। और यहां पर पूछ रहा है बच्चे एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, वेरी कॉमन क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन इसको कहा जाता है। ठीक है, वेरी कॉमन, कई बार एग्जाम में आया ये। तो इस वेरी कॉमन क्वेश्चन का आंसर आप सभी के अकॉर्डिंग क्या होगा, 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। आंसर मिलने पर आपको चैट बॉक्स में अपना आंसर टाइप कर देना। ठीक है जी, सर डी क्यों नहीं, किसका बच्चे, किसका डी क्यों नहीं हुआ, लास्ट क्वेश्चन का डी क्यों नहीं हुआ बच्चे? फ्रेल होता है हमारे पास कमजोर, फ्रेल होता है हमारे पास फीबल, वीक, थिन, ब्रेकेबल, जेरी बिल्ट। तो अगर कोई चीज एट सी है तो मतलब आप उसे कमजोर कैसे कह सकते, इसलिए इसका आंसर डी नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाते हैं, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड देखते हैं बच्चे। 4 ऑप्शन हैं हमारे पास, तो परफेक्ट आंसर मैं आपको बता रहा हूं इसका, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। बच्चे डिस्कॉर्ड होता है हमारे पास डिस्प्यूट, और डिस्प्यूट होता है झगड़ा, तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब हो गया झगड़े की जड़, झगड़े का कारण। तो रीजन फॉर कंट्रोवर्सी कहेंगे, वैसे तो क्वारल होना चाहिए लेकिन दोनों में ज्यादा अंतर नहीं। ठीक है, कनिंगनेस बच्चे हमारी धूर्तता, चालाकी होती है, डिजीज होती है कोई बीमारी, और स्पीच क्या होता है इस बात को शायद आप मुझसे अच्छी तरह से जानते हैं। वक्त हो चला है आगे मूव करने का, तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7, ब्रेक द न्यूज़ क्या होता है। ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है बच्चे, बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, इसका आंसर सिर्फ वही बता सकता है जिसने अच्छी तरह से इडियम फ्रेसिस को प्रिपेयर किया हुआ है मेरे साथ या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर। पर अब आपको फाइंड आउट करना है कि क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास, ब्रेक द न्यूज़, टू रिवील अ बैड न्यूज़, टू एक्सपोज समवन, टू स्प्रेड अ गुड न्यूज़, और अ स्ट्रेंज एंड शॉकिंग न्यूज़। इन 4 ऑप्शंस में से एक जवाब सही है ब्रेक द न्यूज़ के लिए, और वो आंसर हमारा कौन सा है। जैसे ही आपको सही आंसर मिले आपने अपने चैट बॉक्स में आंसर को टाइप करके सेंड कर देना। हाँ जी बच्चे, बहुत बढ़िया, चलिए जी आंसर इसका आना शुरू हो गया। बच्चे ब्रेक द न्यूज़ बहुत टिपिकल है, मैंने आपको बताया था एग्जाम में आता रहता है क्वेश्चन। ब्रेक द न्यूज़ का मतलब होता है बुरी खबर सुनाना। और बुरी खबर सुनाने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है, ए, टू रिवील अ बैड न्यूज। बाकी के 3 ऑप्शंस का इससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है जी, चलिए वक्त हो चला है अगले क्वेश्चन पर मूव कर लेने का, क्वेश्चन नंबर 8, ब्लो बाय ब्लो क्या होता है बच्चे, और इसका परफेक्ट मीनिंग क्या होगा। ब्लो बाय ब्लो का परफेक्ट मीनिंग, रिपीटेडली या कॉन्टिन्यूसली या फिर आफ्टर अ ब्रेक या फिर शेमलेसली, ब्लो बाय ब्लो का परफेक्ट मीनिंग क्या होगा, देखते हैं कितने बच्चे इसका परफेक्ट आंसर बता पाते हैं हम। हाँ जी बच्चे बताइए, बताने की कोशिश कीजिए, एंड आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। जैसे ही आप आंसर देते हैं हम उसको डिस्कस करेंगे ब्लो बाय ब्लो क्या होता है। चलिए जी गुड, आइए देखते हैं ब्लो बाय ब्लो का परफेक्ट मीनिंग क्या होता है। बच्चे ब्लो बाय ब्लो का मतलब होता है हमारे पास कॉन्टिन्यूसली, लगातार। ठीक है, ब्लो बाय ब्लो चलती है कमेंटरी, चाहे वो क्रिकेट कमेंटरी हो या फिर हॉकी मैच की कमेंटरी हो। ब्लो बाय ब्लो का मतलब होता है हर एक चीज का पूरा वर्णन करना, विस्तृत वर्णन करना, और विस्तृत वर्णन करने के लिए कॉन्टिन्यूसली टॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है,
ताकि आपको एक एक शॉट के बारे में पता चले। स्पेशल ये इडियम जो है वो बॉक्सिंग कमेंट्री के लिए बना था। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। फ्रेज और इडियम में क्या अंतर है? बच्चे देखो, आपने सुने होगा हिंदी में इडियम्स होते हैं मुहावरे और फ्रेज होती हैं लोकोक्तियां। ठीक है जी, तो मुहावरे और लोकोक्तियों में ज़्यादा अंतर ये होता है कि जो इडियम है वो किसी दूसरी कंट्री का भी हो सकता है, हमारी कंट्री का भी हो सकता है, लेकिन लोकोक्तियाँ जो है उनका खास संबंध जो है वो हमारे बहुत प्राचीन विचारों से होता है। और एक फ़र्क दोनों में ये भी है कि इडियम जो है वो छोटे होते हैं और फ्रेज जो है वो थोड़े से बड़े होते हैं। दोनों को चेंज हम नहीं कर सकते। वक्त हो चला है अगले क्वेश्चन पर मूव कर लेने का। तो क्वेश्चन नंबर 9, ब्लू स्टॉकिंग क्या होता है और परफेक्ट मीनिंग क्या होगा, ये आपको बताना। ब्लू स्टॉकिंग का परफेक्ट मीनिंग फोर ऑप्शंस आपके पास, जैसे ही आपको आंसर मिले एक बार क्लास को लाइक भी कर देंगे वो बच्चे जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया। अगर कोई प्लेटफॉर्म पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। ठीक है जी, चलिए जी, हमारे पास आंसर आया है, फर्स्ट आंसर आया है ऑप्शन सी का। तो आइए जी डिस्कस करते हैं हम इसको कि ब्लू स्टॉकिंग क्या होता है। बच्चे ब्लू स्टॉकिंग खास तौर पर एक फीमेल होती है, हु इज पेडेंटिक, मतलब नॉलेज होती है उसको बट शोइंग ऑफ एंड सेल्फ प्रेजिंग, लेकिन वो सिर्फ अपनी ही तारीफ करती रहती है हर बार। खासकर फीमेल के लिए बना है ब्लू स्टॉकिंग, तो परफेक्ट आंसर होगा इसका ए, सेल्फ प्रेजिंग। एक ऐसी महिला जो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही तारीफ किए जाती। स्टूबॉर्न तो बच्चे जिद्दी होते, जिसे आप एडमेंट और इनएविटेबल कह सकते। ठीक है जी, चलिए वक्त हो चला है अगले क्वेश्चन पर मूव करने का। क्वेश्चन नंबर 10, ब्रोकन रीड क्या होता है बच्चे, और गिवन फोर ऑप्शंस में से इसका परफेक्ट मीनिंग क्या होगा। ब्रोकन रीड, अगर क्लास में पोल होता तो शायद ये और इंटरेस्टिंग होती, बट कोई बात नहीं, फिलहाल आप मुझे बताइए कि ब्रोकन रीड क्या होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 दो बार आया ना, ब्लू स्टॉकिंग भी क्वेश्चन नंबर 9 था, ये भी क्वेश्चन नंबर 9 था, यानी कि एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा मिलेगा आपको। चलिए जी, इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारे पास आना सही हो गया बच्चे। ब्रोकन रीड क्या होता है? ठीक है, अ फ्रेंड दैट कैन नॉट बी ट्रस्टेड। आपका कोई ऐसा दोस्त जो धोखेबाज हो और जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, ऐसे पर्सन को हम ब्रोकन रीड कहते हैं। आस्तीन का सांप जो कभी भी धोखा दे सकता है, तो वो होता है एक डिसीवर। हम उसे कनिंग नहीं कह सकते, कनिंग तो श्रूड होता है। श्रूड मतलब इसके मन में धूर्तता चलती है, ये हमेशा दूसरों का बुरा करने में लगे रहे। ठीक है, और डिस्ट्रॉयर होता है हमारे पास विनाशक। लेकिन ब्रोकन रीड एक ऐसा दोस्त होता है जिस पर आप भरोसा नहीं कर सकते, वो हमेशा आपको धोखा ही देने की फिराक में रहता है। तो परफेक्ट आंसर होगा इसका सी, अ डिसीवर। ठीक है जी, आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, डाई इन हार्नेस क्या होता है, और गिवन फोर ऑप्शंस में से इसका परफेक्ट मीनिंग क्या होगा, ये बताना है आपको। फोर ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ लीजिए सभी। डाई इन हार्नेस, स्प्रैंग अपोन यानी के झपटना, या फिर किक द बकेट यानी के मर जाना, या फिर रूल्ड ओवर शासन करना, या परसिस्टेंट इन स्ट्रगल संघर्ष करते रहना। फोर
4 ऑप्शंस आपके पास हैं, जैसे ही आपको आंसर मिले 2 ऑप्शन आपके पास डाई इन हार्नेस। चलिए चलिए जी रिवील करते हैं इसका परफेक्ट आंसर क्या है। परसिस्टेंट इन स्ट्रगल बच्चे डाई हार्ड होता है। परसिस्टेंट इन स्ट्रगल के लिए जो इडियम है वो डाई हार्ड है। डाई इन हार्नेस का मतलब होता है काम करते करते मर जाना। तो अगर आप इसमें से किसी से रिलेट कर पाएंगे तो वो बी ही होगा, दूसरे किसी ऑप्शन से आप इसको रिलेट नहीं कर सकते। परफेक्ट आंसर हेयर इज बी। ठीक है, तो जिन बच्चों ने डी ऑप्शन ऑप्ट किया है उनको मैंने बता दिया कि डी जो है वो हमारे पास डाई हार्ड है, डाई इन हार्नेस नहीं। वक्त हो चला है आगे मूव करने का, तो बताइए ब्लू ब्लड क्या होता है और गिवन 4 ऑप्शंस में से इसका परफेक्ट मीनिंग क्या होगा। ब्लू ब्लड सिनर यानी के पापी, क्रूल यानी के क्रूर, नोबल यानी के सभ्य या ब्रेव यानी के बहादुर। 4 ऑप्शंस में से एक सही जवाब है वो कौन सा है, कौन है ब्लू ब्लड। 4 ऑप्शन आपके पास, ब्लू ब्लड किसको कहते हैं। चलिए जी आंसर आना स्टार्ट हो चुका है मेरे पास, तो लेट्स सी किसको कहते हैं ब्लू ब्लड। बच्चे ब्लू ब्लड होता है हमारे पास शाही या फिर राज परिवार से संबंधित। ब्लू ब्लड एक पॉजिटिव इडियम है, तो पॉजिटिव आंसर ही आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, दैट इज सी नोबल। सभ्य कहा जाता है तमीज वाले इंसान, जिनको पढ़े लिखे, उठने बैठने, दूसरों से बात करने की तमीज होती है, ऐसे लोगों को हम ब्लू ब्लड कहते हैं यानी के नोबल। परफेक्ट आंसर हेयर इज सी। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कम इन हैंडी। कम इन हैंडी परफेक्ट आंसर क्या होगा। कम इन हैंडी फ्राइटफुल यानी के भयानक, राइटियस यानी के सही, ईमानदार भी कह सकते हैं, ब्लिंगुअल यानी के जिस बहुभाषी, जिसको कई भाषाओं की जानकारी हो, और प्रॉफिटेबल यानी के लाभदायक। इन चारों में से एक आंसर सही है वो कौन सा है। जैसे ही आंसर मिले आप चैट बॉक्स में स्पैम कर सकते। चलिए कम इन हैंडी होता है बच्चे हमारे पास जरूरत पड़ने पर काम आने वाला। यानी के प्रॉफिटेबल, जो वक्त पड़ने पर काम आ जाए। ठीक है जी, चलिए बिल्कुल सही बताया जो बच्चे चैट में आंसर दे रहे हैं, आपका आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन वक्त हो चला है अगले क्वेश्चन पर मूव कर लेने का। क्वेश्चन नंबर 13, ब्लो वंस ट्रम्पेट क्या हो सकता है परफेक्ट मीनिंग। फोर ऑप्शन है आपके पास, चेजिंग पीछा करना, बोस्टिंग डींगे मारना, पियानो बजाना या फिर गाना गाना। चार ऑप्शन आपके पास, एक सही आंसर है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ब्लो वंस ट्रम्पेट का मतलब होता है बच्चे अपनी प्रशंसा खुद करना। ऐसे पर्सन को हम बोस्टिंग या सेल्फ प्रेजिंग कह सकते हैं।
जो अपनी तारीफ खुद करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, चाइल्ड्स प्ले, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको मीनिंग फाइंड आउट करना है। पीस ऑफ केक, कैसल इन एयर, बीट द एयर या प्यूराइल बिहेवियर। चाइल्ड्स प्ले आप किसको कहेंगे? पीस ऑफ केक एक आसान सा काम, या फिर कैसल इन एयर दिन में सपने देखना, या फिर बीट द एयर समय गंवाना, या फिर प्यूराइल बिहेवियर बच्चों वाली बातें कर, या स्टूपिड मैनर शो करना। फोर ऑप्शंस आपके पास हैं, एक सही आंसर है, बहुत बढ़िया। चाइल्ड्स प्ले को हम कहते हैं बच्चे बच्चों का खेल, और बच्चों का खेल होता है एक बहुत आसान काम, यानी कि पीस ऑफ केक। ए आंसर यहां पर आपका परफेक्ट हुआ, ठीक है जी। चलिए, वक्त हो चला है अगले क्वेश्चन पर मूव कर लेने का, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक क्या होता है? चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, ओल्ड टेक्नोलॉजी यानी के पुरानी तकनीक, या फिर अ रूइंड मशीन, एक खराब मशीन, या फिर सेम प्रॉपर्टीज, समान विशेषताएं, या फिर ओल्ड इज ऑलवेज बेस्ट, पुरानी चीज सबसे बेहतर। चार ऑप्शंस आपके पास हैं, एक सही आंसर है, आइए देखते हैं कि परफेक्ट आंसर क्या होगा। बच्चे चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब होता है आदतें मिलना, जेनेटिक भी कह सकते हो, आदतें मिलना, तो परफेक्ट आंसर इसका होगा सेम प्रॉपर्टीज। दो लोग जिनकी आदतें बिल्कुल एक जैसी हों, और वो बाप बेटा हों या रिश्तेदार हों, उनके लिए चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का यूज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। चलिए जी, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन। कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स क्या होता है? ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे, ठीक है जी। अमित सिंह जी, ठीक है, कम ऑफ द फ्लाइंग कलर्स क्या होता है? ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको दे देना चाहिए जल्दी से। अमित कुमार जी की रिक्वेस्ट थी कि सॉरी किसका कौन है बच्चा, ये अमित सिंह की, सर 20 क्वेश्चंस करा देना, ठीक है जी, 20 क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट करेंगे। बहुत बढ़िया जी, परफेक्ट आंसर इसका है विन। कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स, रंग उड़ाते हुए वही आएगा जो जीतेगा, हारने वाला तो नहीं आएगा, तो परफेक्ट आंसर होगा इसका ए। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। वक्त हो चला है अगले क्वेश्चन का, ध्यान से देखिएगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर 17, बैंडी वर्ड्स क्या होते हैं? और ये फोर ऑप्शंस आप सभी के सामने, एडमायरिंग वर्ड्स, एनकरेजिंग वर्ड्स, एक्सप्लेनिंग वर्ड्स, स्कोल्डिंग वर्ड्स, दीज फोर ऑप्शंस यू हैव। एक सही जवाब है, वो कौन सा हो सकता है हमारे पास? बैंडी वर्ड्स किसको कहते हैं? चलिए जी देखते हैं बैंडी वर्ड्स का परफेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही बताया जी आपने, बैंडी वर्ड्स का मीनिंग होता है हमारे पास डी, स्कोल्डिंग वर्ड्स। वैसे बैंडी वर्ड्स का मतलब होता है अब्यूजिंग या फिर रिवाइल, हिंदी में कहें तो गाली देना। चैप्टर एंड वर्स क्या होता है बच्चे? प्रीपेयर, प्री एज्यूम, प्री प्लान्ड, या फिर इन फुल डिटेल। चैप्टर एंड वर्स क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 18 आप
सभी की स्क्रीन पर। जैसे ही आपको आंसर मिले आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं। बच्चे वो नंबर ऑफ व्यूअर्स पे भी सब कुछ डिपेंड करता है, आप जानते हैं इस बात को, ठीक है जी। चलिए जी आइए देखते हैं चैप्टर एंड वर्स क्या होता है। बच्चे जब भी आपको कोई चीज़ चैप्टर एंड वर्स में समझाई जा रही है, इसका मतलब वो चीज़ आपको फुल डिटेल में समझाई जा रही है, इसलिए इसका परफेक्ट आंसर होगा हमारे पास डी, इन फुल डिटेल। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द लॉन्ग बो, परफेक्ट आंसर क्या होगा इसका आपको बताना है। टैकल विद हाई हैंड, शक्ति से निपटना, कंट्रोल विद पावर, शक्ति से कंट्रोल करना, इनफ्लेम्ड फुलिशली, किसी बात को मूर्खता से और भड़काकर बड़ा कर देना, या एक्सप्लेन क्वाइटली, जितना जरूरी हो उतना एक्सप्लेन करना, ठीक है जी। चलिए देखते हैं इसका परफेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा। ड्रॉ द लॉन्ग बो क्या होता है बच्चे, ड्रॉ द लॉन्ग बो, ड्रॉ द लॉन्ग बो का मतलब होता है बात बढ़ाना, बात बढ़ाना, मामले को समझाने की, सॉरी शांत करने की बजाय उसको और भड़का देना, इनफ्लेम्ड कर देना। सी आंसर इसका परफेक्ट, ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन, कॉल नेम्स क्या होता है इसका परफेक्ट आंसर क्या हो सकता है। कॉल नेम्स का परफेक्ट आंसर इन परफेक्ट ऑर्डर, इंटरव्यू कॉल, ट्रीट विद केयर और इंसल्ट बैडली। कॉल नेम्स क्या आप जानते हैं, कॉल नेम्स क्या होता है। कॉल नेम्स चलिए जी मेरे ख्याल से जान गए सभी बच्चे, देखते हैं क्या होता है कॉल नेम्स। बच्चे कॉल नेम्स का मतलब होता है हमारे पास एक बार फिर से एब्यूजिंग। अब एब्यूजिंग को यानी कि गाली देने को इन चारों में से आप किससे कनेक्ट करेंगे। बिल्कुल सही पहचाना आपने, परफेक्ट आंसर इसका डी होगा, इंसल्ट बैडली, ठीक है जी। चलिए बच्चों उम्मीद करता हूँ सेशन सबको पसंद आया होगा। कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी तरह के छोटे से टेस्ट के साथ। छोटा सा टेस्ट इसलिए क्योंकि इस टाइम पर ज़्यादा ध्यान आपको मैथमेटिक्स पर देना चाहिए, बीइंग एन एजुकेटर मैं ऐसे ही कह सकता हूँ। मिलता हूँ एक और सरप्राइज टेस्ट के साथ कल आपको ठीक इसी समय पे। तब तक के लिए सबको जय हिंद, जय भारत।